क्या आपको जीन गार्निक इफेक्ट के बारे में पता है? क्या आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो आप वीडियो में बने रहो। आज हम ऐसी कुछ अमेजिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो सबसे पहला फिनोमिनन है बार्डरमैन ऑफ फिनोमिनन। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप कोई नया शब्द सीख लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वो शब्द बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उसी को बार्डरमैन ऑफ फिनोमिनन कहते हैं। दूसरा फिनोमिनन है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपके विचार और काम में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो आपके दिमाग में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसी अजीब सी फीलिंग को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तीसरी चीज है डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन असलियत में ऐसा होता है कि आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, 1% भी पता नहीं होता, और इसी को कहते हैं हम डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। चौथा फिनोमिनन है पैरिडोलिया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमें किसी क्लाउड में या किसी ट्री में एक चेहरा दिखने लगता है, वो इल्यूजन होता है, जबकि असली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और उसे ही हम कहते हैं पैरिडोलिया। चौथा फिनोमिनन है प्लेसिबो इफेक्ट। इसे हम दिमाग का चमत्कार कह सकते हैं। जब हमें लगता है कि कोई दवाई हम पर असर कर रही है, काम कर रही है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ एक डमी होती है, उसे ही हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। छठा फिनोमिनन है जी गार्निक इफेक्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप किसी काम को अधूरा छोड़ देते हो, वो आपको परेशान करने लगता है, बार बार आपको उसी काम के बारे में ध्यान आने लगता है, इसी कहते हैं जी गार्निक इफेक्ट। सातवां फिनोमिनन है हेलो इफेक्ट। जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करता है, किसी एक चीज में बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम उस व्यक्ति को ओवरऑल अच्छा समझने लगते हैं, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। आठवां फिनोमिनन है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा या आपने आजमाया भी होगा इस चीज को। अगर आप किसी चीज को बार बार देखते हो, उसी चीज को बार बार देखते हो, तो आपको धीरे धीरे पसंद आने लगता है, और इसी चीज को हम कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, और ये इफेक्ट आपके साथ भी होगा कई बार। नौवां फिनोमिनन है कन्फर्मेशन बायस। जो हमें सूट करती है उसी की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव होता है, कन्फर्म, किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए, मानने के लिए। हम नई चीज़ों को इतनी आसानी से मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसी को कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। दसवां फिनोमिनन है हॉथॉर्न इफेक्ट। जब लोगों का ध्यान लगा रहता है उनके ऊपर, तो अपने बिहेवियर में बार बार सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहीं पर बैठे हो, अगर आपको अपने ऊपर ध्यान है कि मुझे ऐसे बैठना है, तो वो अपने बिहेवियर में बार बार सुधार करते रहते हैं, इसी को कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। ग्यारहवां फिनोमिनन है बायस्टैंडर इफेक्ट। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर बहुत सारे लोग किसी समस्या के सामने होते हैं, तो वहां पर हर कोई अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसी को कहते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट। बारहवां फिनोमिनन है फोमो इफेक्ट, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया इतना चल रहा है, इतना ट्रेंड में चल रहा है, हर कोई चाहता है कि उनसे कुछ भी मिस ना हो, कोई भी ट्रेंड मिस ना हो, इसी को हम कहते हैं फोमो इफेक्ट, और इसी की वजह से हर किसी को लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। 13वां फिनोमिनन है स्टॉकहोल्म सिंड्रोम। ये एक ऐसा फिनोमिनन है, अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि किडनैपर है वो आपकी भलाई चाहता है, आपको इससे दोस्ती हो जाएगी, आपका उससे अटैचमेंट हो जाएगा, और इसी को हम स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहते हैं। 14वां फैक्ट है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उससे हो सकता है एक्सपोज हो जाए सबके सामने, कि बुराई हो, बेइज्जती हो, बेसिकली उसे एक्सपोज होने का बहुत डर रहता है जो भी वो कर रहा होता है, और इसी को हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। 15वां फिनोमिनन है ग्रुप थिंक। मान लो आपके कुछ दोस्त कहीं जा रहे हो और एक जगह आके अटकते हैं, उन्हें रास्ता पता नहीं चलता कि किधर जाना है, और सब एक ही डायरेक्शन में सोच रहे कि हम इसी वाले रास्ते से जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं ग्रुप थिंक, चाहे वो गलत हो या चाहे सही हो, और सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। ये तो कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट में बताओ कि आपको किस किस के बारे में नहीं पता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।